तो देखिए देशित में अब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत को फतवा फैक्ट्री से आखिर आजादी कब मिलेगी। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, चार तस्वीरें आप देखिए और हमारा सवाल समझिए। जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि राम पूजा पर फतवा, सिंदूर लगा लिया तो फतवा, वंदे मातरम पर फतवा, राष्ट्रगान गाने तक पर फतवा जारी कर दिया जाता है, जिससे कट्टरपंथियों को अपनी दुकान बंद होने का डर सताने लगा है। अब इनको एक और बहाना मिल गया, क्योंकि जिन रूबी खान का हम जिक्र कर रहे हैं वो बीजेपी से जुड़ी थी, इनकी ये भी शिकायत है। और फिर मुस्लिम महिला, वो बीजेपी में, तो वो मुस्लिम तो हो ही नहीं सकती, इनकी सबसे बड़ी शिकायत ये। और ऊपर से रामलला की पूजा कर रही हैं, तो उनको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए। फतवा फैक्ट्री से भारत को आजादी कब, ये सबसे बड़ा सवाल। और दो लोगों के खिलाफ, नरगिस और रूबी खान, इन दोनों लोगों के खिलाफ फतवा जारी किया गया। इस्लाम से बेदखल करने की बात की गई, जिंदा जलाकर मार देने की बात की गई है। बताया जा रहा दोनों बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो आपको श्रीराम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर भी हम बता देते हैं। एक तरफ भगवान श्रीराम का गुणगान करने पर फतवा जारी हो रहा है, लेकिन आपको ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की बड़ी खबर ये है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज ये जानकारी दी है कि श्रीराम मंदिर निर्माण में किसी प्रकार के लोहे या फिर सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पत्तियों का उपयोग किया जाएगा। निर्माण कार्य हेतु 18 इंच लंबी, 3 मिलीमीटर मोटी और 30 मिलीमीटर चौड़ी 10,000 पत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। लोहे की जगह मंदिर निर्माण में तांबे की छड़े इस्तेमाल होंगी, जिससे कि मंदिर सदियों तक इसी तरह खड़ा रहेगा। इसके बाद भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों से आह्वान किया है कि मंदिर निर्माण के लिए तांबे की पत्तियों को दान करें। अगर आप तांबे की पत्तियों को दान करते हैं तो दानकर्ता अपने परिवार, क्षेत्र अथवा मंदिरों का नाम लिखवा सकते हैं। इस प्रकार से ये तांबे की पत्तियां न केवल देश की एकात्मता का अभूतपूर्व उदाहरण बनेंगी, बल्कि मंदिर निर्माण में आप ये कहिए कि संपूर्ण राष्ट्र के योगदान का प्रमाण भी देगी कि 137 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया, उनकी भावनाओं का ये मंदिर है राम मंदिर निर्माण। और इसके अलावा श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह भी जानकारी दी है कि मंदिर निर्माण के कार्य में लगभग 36 से 40 महीने का समय लगने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि अधिकतम 40 महीने में ये भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर श्री राम मंदिर, गगनचुंबी जिसका जिक्र अमित शाह की तरफ से किया गया था कि गगनचुंबी राम मंदिर निर्माण होगा, उम्मीद पूरी है वैसे। ऐतिहासिक बिल्कुल। देखिये श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव जो हैं चंपत राय, उन्होंने और क्या जानकारी दी है, आज सबको सुनना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग हुआ है 60 मीटर्स डेप्थ तक का, उसके आधार पर फिर अर्थक्वेक स्टडी हुआ है, CBRI ने किया है, IIT चेन्नई ने किया है। तो सॉइल की स्ट्रेंथ और कभी भी भविष्य में 100-200 साल बाद भी यदि कोई भूकंप आता है तो उस भूकंप का क्या परिणाम, इन दोनों की स्टडी करके लार्सन टुब्रो फाउंडेशन तैयार करेगा। 3 एकड़ में 1200 पॉइंट ऐसे होंगे जहां 35 मीटर तक जा सकते हैं, 30 to 35, और 1 मीटर डाया, और इसमें प्लेन कॉन्क्रीटिंग लाएंगे। तो इतनी गहराई से जब आएगा तो वो सब प्रकार के जर्क्स को सहन कर सकेंगे। जी हाँ, जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, ये बात आप शायद संभवतः कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है। एक समय में प्रभु श्री राम का अस्तित्व तक नकारने वाली कांग्रेस पार्टी भी अब राम की धुनी रमाती नजर आ रही है, राजीव गांधी को राम भक्त बता रही है। श्रीम आज बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश के कई अखबारों में दरअसल कांग्रेस का एक विज्ञापन छपा है, और इस विज्ञापन के जो मुख्य बातें हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर थी, जिसमें उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट दिया गया है। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस का विज्ञापन था, उसमें लिखा था कि राजीव गांधी ने साकार की थी राम राज्य की कल्पना। राजीव गांधी ने 1985 में राजीव गांधी की कोशिशों से रामायण का प्रसारण शुरू हुआ, और 1986 में राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए। राजीव गांधी ने चेन्नई में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अयोध्या भूमि पूजन पर जश्न मनाया।
हालांकि आपको यह भी याद होगा कि भूमि पूजन के समय कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि राजीव गांधी ने मंदिर का ताला नहीं खुलवाया था। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के नेताओं को ही सच्चाई का पता है क्यों नहीं, और कांग्रेस के नेताओं में आखिर ये विरोधाभास क्यों है, कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों? अगर इतना कहा जा सकता है कि शुरू हुआ मंदिर निर्माण कांग्रेस को भी याद आए प्रभु श्री राम। वैसे राम का नाम लेने पर जिंदा जला देने वाली की धमकी देने वाले कौन हैं ये लोग? ये किसी मजहब के मानने वाले तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म या मजहब कम से कम नफरत नहीं सिखा था। और भारत में अजमेर शरीफ है, मुंबई में हाजी अली है, जहां पर लाखों करोड़ों गैर मुसलमान भी तो जाते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण भी यही है कि नफरत नहीं प्यार का प्रसार कीजिए। आपको बता दें एंग्लो आयरिश कवि ने कहा है कि हमारे पास नफरत करने के लिए पर्याप्त धर्म, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने के लिए पर्याप्त धर्म नहीं है। तो धर्म का इस्तेमाल प्रेम के प्रसार के लिए कीजिए, नफरत के लिए नहीं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।